The profits were to be shared in the ratio of 5:2:3. The profits were to be shared in the ratio 5:2:3. ठीक है, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नोट करने के बाद एनालिटिकल टेबल पहले बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। नोट हो गया, क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए। चलो आगे सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तीन पार्टनर है तो चार कॉलम ना। एक एक्स्ट्रा कॉलम हम बना रहे हैं। ए बी सी ये फर्म का हो गया। आओ यहाँ पे लिखेंगे ए डेबिट क्रेडिट बी सी डेबिट क्रेडिट पीएल एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट। ये ऐसा ही है, ये ज्यादा बड़ा हो गया। जब वर्किंग वर्किंग बनाएंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर, यानी किस चीज का एडजस्टमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो प्रॉफिट देखो पर्टिकुलर में सबसे पहले देखो, यानी सबसे पहले किस चीज का एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली हम लोगों ने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया है। बोलो क्वेश्चन में पढ़े कि नहीं, प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बजाय कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स में क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉफिट जो रॉन्गली क्रेडिट किए हैं उसको वापस ले लो। तो बताओ किस रेशियो में प्रॉफिट हम लोगों ने क्रेडिट किया है, रेशियो बताओ। तो प्रॉफिट का कैपिटल रेशियो में बांट दिए हैं, तो कैपिटल रेशियो इन लोगों का कितना है, ए बी सी कैपिटल रेशियो इन लोगों का कितना है बताओ, कौन बताएगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो है 30,000 ए का कैपिटल है, 20,000 बी का कैपिटल है, 10,000 सी का कैपिटल है। तो कैपिटल रेशियो हो गया 3:2:1, यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन लोगों ने, दैट इज प्रॉफिट 30,000 को इन लोगों ने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका मतलब 3:2:1 में, यानी ए के कैपिटल में 18,000 3:2:1 यानी 3 × 2 = 6 यानी 5,000। तो ए के कैपिटल में इन लोगों ने 15,000 रुपया दे के रखा है। 15,000 कैसे आया, 3/6 दैट इज 15,000। बी का 30,000 × 2/6 दैट इज 10,000 और 30,000 × 1/6 दैट इज 5,000। तो 15,000, 10,000 और 5,000 कैपिटल में हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं पार्टनर्स के कैपिटल में एज अ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में, बट वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो दैट मींस कि ये 15,000 10,000 5,000 जो हम लोगों ने कैपिटल रेशियो में क्रेडिट किया है पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को, उसे हमें वापस कर उनसे लेना होगा। तो वापस लेने के लिए ए को डेबिट कर देते हैं 15,000 से, बी को डेबिट कर देते हैं 10,000 से, यानी जितना क्रेडिट किए थे उतना ही उनसे वापस ले लो डेबिट करके। सी को डेबिट कर देते हैं 5,000 से और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा टोटल 30,000। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैपिटल रेशियो दैट इज 3:2:1 इज टेकन बैक बाय द पार्टनर। हम लोगों ने पार्टनर से वापस ले लिया, टेकन बैक बाय द पार्टनर। ठीक, ये वाला समझ में आया सबको पॉइंट? प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको वापस ले लिए पार्टनर से। नाउ उसके बाद क्या मिस्टेक है कि इसके बाद हम लोगों को पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, बी को सैलरी प्रोवाइड करना था, बी को नहीं, किसको सैलरी देना था, हाँ बी को सैलरी प्रोवाइड करना था और सी को कमीशन प्रोवाइड करना था। बट ये कुछ भी नहीं किया गया था, बिना सैलरी प्रोवाइड किए, बिना कमीशन प्रोवाइड किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए, ये लोगों ने 30,000 रुपए को कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटकर घर चल गया था। तो जो 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 मिस्टेक इन लोगों से हुआ है उन सब मिस्टेक का एडजस्टमेंट कर देते हैं। नाउ अब किसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए और ओपनिंग कैपिटल इन लोगों का दिया हुआ है। हम ओपनिंग कैपिटल इन लोगों का दिया हुआ है दैट इज ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है? 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 30,000 का 5% 1,500। 30,000 का 5% 1,500। ए को 1,500, बी को कितना मिलना चाहिए? 1,000। और सी को 500। तो यहाँ पीएल एडजस्टमेंट में क्या किया, फर्म को अगर क्रेडिट करना, पार्टनर्स को क्रेडिट किया गया है तो फर्म में क्या होगा पीएल एडजस्टमेंट में? डेबिट। कितना डेबिट करते हैं टोटल जोड़ के? 3,000। ठीक है, एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और क्या क्या मिस्टेक्स इन लोगों ने किया है? बी को सैलरी देना था, क्या इन्होंने बी को सैलरी दिया गया है? बोला ना कि उन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया था विदाउट एनी अबव एडजस्टमेंट। यानी अबव एडजस्टमेंट का मतलब ना बी को सैलरी दिया, ना सी को कमीशन दिया, ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और सैलरी बांट के खत्म करके लेके भाग गया। तो वो सैलरी पहले वापस लिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिनको जितना देना था उतना क्रेडिट किए। अब क्या देना है? बी को सैलरी देना है। बी को कितना सैलरी देना है? 500 रुपया पर मंथ। तो एक साल का कितना? 6,000। यहाँ 6,000 डेबिट हो जाएगा, ये हो गया बी का सैलरी। और लंबा करना वाला है, बी के सैलरी के बाद और क्या देना है? सी को, सी को कमीशन देना है। और सी को कमीशन देने के लिए, सी का कमीशन जहां पे लिखा हुआ है वहां पे पढ़ो ठीक से, क्या बोल रहा है? सी को कमीशन देना है
5% ऑन द प्रॉफिट्स, कौन से प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी, ठीक है। तो हमें सी का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट को घटाने के बाद का जो प्रॉफिट है उसका 5%। क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5%, और बी के सैलरी को घटाने से पहले यानी बी का सैलरी माइनस करने से पहले कितना था, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद का प्रॉफिट कितना था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और बिफोर इंटरेस्ट बिफोर बी के सैलरी को डिडक्ट करने के पहले जो प्रॉफिट है उसका 5%। तो ये सी, ये जो प्रॉफिट है ये तो नेट प्रॉफिट है, इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस हुआ है ना बी का सैलरी अभी माइनस हुआ है, क्योंकि ये तो नेट प्रॉफिट है ना, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो क्योंकि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट आएगा 27,000। इस 27,000 में अभी बी का सैलरी डिडक्ट नहीं हुआ है, बी का जो सैलरी देना है वो डिडक्ट नहीं हुआ है इस 27,000 में। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी, तो 27,000 का 5% कमीशन निकाल लो, 1350 कितना कमीशन देना है, 1350 रुपया, ये रहा सी का क्रेडिट 1350, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा 1350। और क्या रह गया है, अब देखो क्या रह गया, देखो प्रॉफिट जो दिए थे वो तो वापस ले लिए हैं, हेलो, प्रॉफिट जो पार्टनर को दिए थे वो तो हम पार्टनर से वापस ले लिए हैं, यानी नेट प्रॉफिट 30,000 रुपया हम पार्टनर से वापस ले लिए हैं। फिर उस नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बी का और सी का कमीशन, एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा आता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:3। तो ये 30,000 जो है ये तो नेट प्रॉफिट है, कैसे पता चला नेट प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये 30,000 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग अबव एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में बोला ना बिफोर एडजस्टिंग अबव एडजस्टमेंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होने वाले किसी भी आइटम को डेबिट करने से पहले ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट अगर 30,000 है उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपया माइनस कर दिए, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 30,000 आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप डेबिट किए, फिर बी का सैलरी आप डेबिट किए 6,000, फिर सी का कमीशन आप डेबिट किए 1,350, इन सब को माइनस किए तो आपका प्रॉफिट आया 19,650, 30 में से 9 गया 21, 21 में से यहाँ 19,650। ये 19,650 क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, इसको कौन से रेशियो में बांट दे तीनों में, 5:2:2, तो 5:3:2 जब बांटोगे तो अमाउंट आएगा 5:3:2 के हिसाब से 9825 3930 and 5895 5895। तो ये पार्टनर को ये
देना है हमें, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। तो देना है तो उनके कैपिटल में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सी के कैपिटल में कितना, 9825 शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन एंड सैलरी, यानी सब चीज का एडजस्टमेंट, सब चीज का एप्रोप्रिएशन करने के बाद प्रॉफिट जो आया उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। तो सी को मिला, अच्छा यहाँ पे सी को मिला 9825, बी को मिलेगा 3930, 5:2:3, बी को मिला 3930 और सी को मिल जाएगा 5895, 5895। तो यहाँ डेबिट करना पड़ेगा 19,650। अब देखो तो पहले पीएल फॉर्म को टोटल डेबिट करो, इधर 30,000 है, इधर कितना है टोटल, 639 और 9 आई हो गया 21,000, यानी 30,000, यानी पीएल एडजस्टमेंट में नील है बैलेंस, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब एडजस्ट हो गया है। अब हमें सिर्फ पार्टनर्स का अकाउंट देखना है, पार्टनर्स का टोटल बैलेंस किसको कितना डेबिट करना है और किसको कितना क्रेडिट करना है, और फाइनली नेट डेबिट नेट क्रेडिट पता कर लेना है कि ए को नेट में डेबिट करना है या नेट क्रेडिट करना है। तो ए का डेबिट आ रहा है 15,000, बी ए का क्रेडिट आ रहा है 1500 और 9825, दैट मींस 11,325। उसी तरह बी का डेबिट आ रहा है 10,000 और बी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 10,930। तो आप देख सकते हो यहाँ 15,000 डेबिट, 11,325 क्रेडिट। तो नेट ए को डेबिट, ए का डेबिट बैलेंस आ रहा है नेट की क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ग्रेटर किधर है, डेबिट साइड ग्रेटर है कि क्रेडिट साइड ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो नेट नेट बैलेंस आ रहा है। सी का 5,000, 5,7745। अब तीनों को कंपेयर कर लूं, देखो ए में नेट डेबिट कितना आ रहा है, 3,675 डेबिट, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3,675 डेबिट, ये डेबिट, यानी ए के अकाउंट को डेबिट करना है 3,675 से, बी के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 930, यानी बी के अकाउंट को 930 रुपया से क्रेडिट करना है और सी के अकाउंट को भी क्रेडिट करना है 2745 से क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट टू सी अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग टेबल पूरा एनालाइज कीजिए, जर्नल एंट्री आप लोग खुद से पास कर लीजिए। अब सुनो, अब देखो तुम लोगों के पास तो न्यू एडिशन बुक है, ये टॉपिक खत्म हो गया है, एक क्वेश्चन हम बनाकर पिक्चर सेंड कर देंगे, दैट इज जो कल हम लोग नहीं, उसमें कुछ आंसर में प्रॉब्लम आ रहा था, एक क्वेश्चन हम बना के सेंड कर देंगे, और बाकी जो अब क्वेश्चंस बना है बचा हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस हम तुम लोगों को होमवर्क देंगे, तुमको को ट्राई करना है, चाहे गलत बने या सही बने नो मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट गलत ही बनेगा तो